देश भर में चारों ओर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए युवा नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी इसका विरोध देखा जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान युवाओं ने किया था, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर होता हुआ नजर आया। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि युवा पीढ़ी को समझाने की जरूरत है और उन्हें किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। इस योजना से व्यक्ति को दो दो तरह की नौकरी करने का अवसर मिलेगा। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि यदि कोई युवा हुड़दंग मचाता है, नजर आता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है और इसमें किसी भी रूप से शांति भंग नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसी योजना है जिसमें एक प्रकार से युवा को दो दो तरह की नौकरी करने का अवसर मिलेगा। फौज में भी जा सकते हैं, बाद में पुलिस में भी आ सकते हैं, और जो भी उनके मन में है शांतिपूर्वक करना चाहिए। अगर कोई धरना प्रदर्शन करने की प्लानिंग भी करता है तो उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।